हेलो एवरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ फीनिक्स अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये कॉलेज लाइफ वाइन ये कोड शेफ के स्टार्ट 2021 का क्वेश्चन था थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ इसका मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए क्योंकि ये क्वेश्चन समझने में आसान था फिर भी अगर आपसे नहीं समझा गया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई छोटी मिस्टेक अगर आपने कमिट की होगी तो आपको वो नजर आ जाएगी आप बस कोड के लिए मत देखिए सो लेट स्टार्ट हमें ऐसे बता बताया गया था कि शेफ है मान लो शेफ ही है एक फुटबॉल मैच चल रही है चैनल वन पे और दूसरे चैनल पे क्रिकेट मैच चल रही है तो इन दोनों मैचेस के वक्त कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्लेस करेंगे है ना जैसे हाईलाइट्स कह सकते हो आप फुटबॉल के कुछ हाईलाइट टाइम रहेंगे और कुछ क्रिकेट के हाईलाइट टाइम रहेंगे ये टाइम आपको दो एरेज में प्रोवाइड आप आ, मतलब किए जाएंगे जैसे एक एरे रहेगा जो फुटबॉल के सारे इंपॉर्टेंट टाइम बताएगा और एक एरे रहेगा जो क्रिकेट के सारे इंपॉर्टेंट टाइम पहला आर्य फुटबॉल का रहेगा दूसरा आर क्रिकेट का रहेगा और हमारे पास एक ही रिमोट है है ना और एक रिमोट से आप आ, क्या आपको क्या करना है कि देखो जब भी कोई इंपॉर्टेंट टाइम आएगा उस वक्त आपको उस चैनल पे चले जाना है जैसे अभी आप फुटबॉल देख रहे हो लेकिन क्रिकेट का कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट आया तो आपको चैनल चेंज करके क्रिकेट वाले चैनल पर जाना है और क्रिकेट चलते हुए अगर पहले फुटबॉल का कुछ इंपॉर्टेंट आया तो आपको फुटबॉल वाले चैनल पर जाना है जैसे आ, अभी मैं आपको बता दूं कि मान लो एक एरे हैं वन सेवन नाइन और ये है थ्री फाइव ये है फुटबॉल का ये है क्रिकेट का आप जब चैनल दे, देखना शुरू करोगे तो आप पहले फुटबॉल के चैनल से स्टार्ट करोगे ऐसे दिया गया है क्वेश्चन में तो मैं अभी किस चैनल को देख रहा हूँ फुटबॉल टाइम वन पे फुटबॉल में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है हाँ मैंने वो देख लिया अब टाइम टू चल रहा है अब टाइम थ्री आया लेकिन थ्री में कौन सा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट तो मैं थ्री में यहाँ पे चला गया तो इस वक्त मैंने एक स्विच कर लिया चैनल को चेंज किया है ना अब थ्री अब टाइम फोर चल रहा है फ़ोर हुआ बाद में फाइव फाइव में तो क्रिकेट में ही था इंपॉर्टेंट तो मुझे चैनल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो यहाँ पर कंटिन्यू हुआ बाद में टाइम फाइव हुआ सिक्स हुआ सिक्स के बाद सेवन सेवन के वक्त तो फुटबॉल में इंपॉर्टेंट मोमेंट थी तो मैं स्विच करके फुटबॉल में चला गया अब देखो क्रिकेट का तो ख़त्म गया किस्सा अब जो कुछ है फुटबॉल में ही रहेगा तो मुझे कितने स्विचेस करने पड़े मुझे दो स्विच करने पड़े तो हमें यही बताना था कि आप जब ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोमेंट के वक्त चैनल चेंज करोगे और शुरुआत फुटबॉल के चैनल से करोगे तो आपको ऐसे कितने स्विचेस करने पड़ेंगे सो भाई इसकी अप्रोच समझते हैं हम अप्रोच क्या रहेगी आपके पास दो एरेज रहेंगे ठीक है एक एरे ये रहेगा दूसरा एरे ये रहेगा आपको बस क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है इस वाले एरे से और आपको चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट छोटी है इस एलिमेंट से जो भी एलिमेंट मतलब सीरियल ऑर्डर में आएगी जैसे यहाँ पे वन है यहाँ पे थ्री है मतलब यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट मोमेंट आया तो आप इस चैनल पे टिके रहोगे और यहाँ पे सिक्स है अब सिक्स के पहले थ्री वाला इंपॉर्टेंट है तो आप थ्री वाले पे चैनल स्विच करोगे फिर थ्री के बाद सिक्स पे चले जाओगे ऐसे आपको चेक करना करते चले जाना है दोनों एरेज में सो so, यही था इस क्वेश्चन की अप्रोच अब इस पर डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स किसी डेटा स्ट्रक्चर में लेके भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो क्वेश्चन को या फिर आप दोनों एरेज को कंपेयर करते 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 स्विचेस को कैलकुलेट कर सकते हो सो लेट्स सी एक अप्रोच देख लेते हैं हम इसमें हम क्या करेंगे देखो कि आ, पहले तो हमने इनपुट ले लिया नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के बाद पहला जो एरे रहेगा उसकी साइज़ एन रहेगी दूसरा एम दोनों को इनपुट कर लिया दोनों एरेज डिक्लेयर कर लिए दोनों में एलिमेंट्स भी ले लिए अब हमारे पास क्या आ चुका है एरे उन दोनों एरे की साइजेस साइजेस के करस्पॉन्डिंग वो सारे इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट्स अब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है प्रिंट यूनियन ये बेसिकली जो दो एरेज हैं उनके यूनियन में काम करेगा वैसे इस क्वेश्चन को इस फंक्शन को मैंने मॉडिफाई किया है इसमें हम यूनियन फाइंड नहीं कर रहे बस वो स्विच देख रहे हैं कि किस एलिमेंट को हमें पहले उठाना होगा अब जैसे देखो एरे जो पहला हमारा एरे है उसकी जो वो एलिमेंट जो कंसिडर कर रहे हैं जैसे पहले आई इजल टू जीरो जे इजल टू जीरो दोनों के जीरो जीरो इंडेक्स डिक्लेयर कर दिए अब इसमें आपको ये नहीं पता कि j पे कब मतलब आप ऐसे लूप में नहीं जा सकते आपको इसमें कंडीशन के हिसाब से देखना है कि किसका एलिमेंट छोटा है किसका एलिमेंट बड़ा है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट जैसे देखो कि आ, अब देखो कि सेवन एट नाइन ठीक है और थ्री uh, टू अब देखो पहले थ्री वाला इंपॉर्टेंट मोमेंट आएगा तो एरे ऑफ आई है जैसे ठीक है एरे ऑफ आई लेस देन बी आर आर ऑफ जे पहला वाले एरे का पहला एलिमेंट क्या इससे छोटा है नहीं तो एल्स वाले लूप में जाओगे इसमें आप वही एक एक इंक्रीमेंट इंडेक्स ऐड करोगे कंपैरिजन के बाद ये जे प्लस प्लस रहेगा ये आई प्लस प्लस रहेगा इसमें बस दूसरी थोड़ी सी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आप उस स्विचेस को याद कैसे रखोगे कि मतलब जैसे मैंने अब सॉरी यहाँ पे पहले टू आएगा बाद में थ्री आएगा जैसे देखो टू के बाद थ्री आने वाला है तो आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है आप थ्री के बाद चेक करोगे सेवन है ना तो उसके लिए आप क्या करो एक फ्लैग वेरिएबल डिफ़ाइन कर लो इस फ्लैग की वैल्यू जब वन रहेगी ठीक है मान लो अभी फ़्लैग की वैल्यू वन हुए अब फिर से दोबारा यही कंडीशन आई है ना तो एक बार मान लो फ्लैग की वन कंडीशन थी उस वक्त एक स्विच आपने कर लिया फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो हुए अब दोबारा इसी लूप में आओगे तो फ्लैग की वैल्यू तो जीरो है फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है तो आप इसमें चले नहीं जाओगे मतलब आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसका मतलब क्या हुआ टू से आप थ्री चले गए आपको स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी वो इसमें हो गया अब स्विच करना है जब आप एल्स में आओगे तब आप आपका फ़्लैग की वैल्यू कितनी थी ज़ीरो लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो है और ये वाली कंडीशन आ जाती है मतलब दूसरे वाले का एलिमेंट ज़्यादा तो फिर आपको एक स्विच करना पड़ेगा और फ्लैग की वैल्यू आप फिर से अपडेट करोगे फ्लैग की वैल्यू आप वन कर दोगे सो so, यही था आपको यही करना था और लास्ट में जो एक वाला एक इसमें आपको एक स्विच की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ये क्यों देखो अब जैसे टू वन थ्री टू फोर है वन थ्री टू फोर अब हमने लास्ट में जो वन ऐड किया है हम उसका रीज़न देखते हैं कि देखो इस जो वन हमने ऐड किया है उसका रीज़न ये है कि जैसे आपने शुरुआत इस चैनल से की है ठीक है आप इस चैनल पे चले गए अब इस चैनल के बाद आप कंपेयर जो करोगे ठीक है कि आप यहाँ पे चले जाओगे और उसके बाद आप देखोगे तो आपका एक स्विच जो बच रहा है ना किस कंडीशन की वजह से क्योंकि आपने ये वाला स्किप किया आप यहाँ पर ना आते हुए आपने दूसरे एलिमेंट पे जाके फिर कंपैरिजन स्टार्ट किया तो उस एक स्विच की वैल्यू जो यहाँ पे होना चाहिए था वो स्विच आप हर केस में ऐड करते चले जा रहे हो सो so, यही था अप्रोच मैंने अपनी अप्रोच बताई अगर आपको एक बार लॉजिक या फिर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप अपनी अप्रोच के साथ भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो अगर आपकी कुछ हेल्प हुई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हो सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आइज